माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग, देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ये एक जर्नल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। और आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप देख सकते हैं, आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में तो भी देख सकते हैं, आप सिंगल हैं कमिटमेंट का वेट करें तो भी आप देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं गाइस, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है आपको सब कुछ। एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या हो सकती है उनके लिए अभी और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए वे एंजल्स हमारे व्यूअर्स के नेक्स्ट सेक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइस कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा ना आपको। ओके ठीक है, पॉजिटिव कार्ड के साथ एक नेगेटिव कार्ड तो बनता है, ठीक है गाइज। डेथ, एक कार्ड नीचे गिर गया हुआ है, मैं उठा लूँ उसे। हाई प्रिस्टेस, ठीक है। एंजल हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, वो क्या सोच रहे हैं उनके साथ रिश्ते को लेकर, ये सब बताइए गाइज। ये बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ कप्स बॉटम में है, एट ऑफ स्वेट्स। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, देखते हैं क्यों महसूस कर रहे हैं बंधा हुआ। गाइस आपके पार्टनर आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको संभाल के रखना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं, थर्ड पार्टी में जाकर बोलिए कि थर्ड पार्टी में जाकर या आपसे दूरियाँ हो गई हैं इतनी ज़्यादा उनकी कि वो अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उन्हें ये समझ आ रहा है कि आप जब उनके साथ थे तो वो कितना खुश रहते थे, कितना पॉजिटिव रहते थे। आपकी छोटी छोटी बात उनको बहुत याद आ रही है अभी और वो आपकी तरफ, ये छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। गाइस जितनी स्पीड से वो गए थे उतनी स्पीड से आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, हद से ज़्यादा आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल करता है और आपकी तरफ आने से रोकता है। कोई फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है। और ऐसे कहते हैं ना कि अगर आपके पार्टनर किसी के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं या करते होंगे किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में, किसी के भी साथ में, तो वो इंसान ना उनको उल्टी बातें कहता है आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर जो भी उनकी लाइफ में कंट्रोलिंग है ना गाइस, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि वो आपके साथ दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, लेकिन उन्होंने एक स्टेप ले लिया हुआ है। डेथ का कार्ड है, वो आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी, बुरी सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे। अगर थर्ड पार्टी है तो उसको ख़त्म करके, ख़त्म करने मतलब उसके साथ बातचीत बंद कर देंगे, उसके साथ कनेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो अब तंग आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, ठीक है। और आपके पार्टनर की कोई एक ऐसी बात आपको आपके सामने आ सकती है जिससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर वापस सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों एक अलग घर में चले जाएँ और आपके और उनके फैमिली के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि भाई ठीक है चलो, आप भी उनकी बातों को इग्नोर करेंगे, उनकी फैमिली भी आपको वापस एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके पार्टनर ना गाइस आपको पहले आकर आपसे बातचीत करेंगे,
आपको समझाने की कुछ कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, फिर वो जल्दी से जब आप हाँ कर देते हैं अगर क्योंकि पूरी तरह से आपकी लाइफ है, तो वो आपको वो शादी का ऑफ़र कर देंगे, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों इन सब हालात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अगर वो मैरिड हैं गाइज, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को से दूर होना पड़ेगा, या फैमिली की बातों को या फैमिली को समझाना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि वो आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, तो वो कहीं ना कहीं अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है, इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, द फूल की एनर्जी है हमारे पास, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ में। गाइस जो रिश्ता पहले था उसी रिश्ते को वापस नए से शुरू करेंगे। वो आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर द हर्मेट का कार्ड है बॉटम में। गाइस आपके पार्टनर किसी से सलाह ज़रूर ले रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और कि इस रिश्ते में कैसे काम किया जाए। किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, और आई होप वो तीसरा इंसान उनको अच्छी सलाह दे, कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं कहे आपके बारे में, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपको बस मैनिफेस्ट करना है गाइस। मैं आपको हर रीडिंग में यही बताती हूँ, आपको पॉजिटिव रहना, आपका मैनिफेस्ट करना चीज़ों को आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दिन भर बैठ कर नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है। देखिए द स्टार का कार्ड है, नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आएगी गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी वो चुप हैं, अभी वो आप उनको कॉल मैसेज बिल्कुल मत कीजिएगा, आप उनको स्टॉक मत कीजिएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हैं, आप हॉबी क्लासेस चला सकती हैं। और अगर आप मेल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा घूमिए फिरिए, बाहर जाइए। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, बातचीत कीजिए। दिन भर मोबाइल लेकर पुरानी चैट्स पढ़ना, उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बिल्कुल गलत है। आप चीज़ों को फिर खुद से ही गलत कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। द हर्मेट गाइस, आपके पार्टनर जहाँ आपका दिल नहीं है किसी से भी बातचीत करने का, आप चाहते हैं कि दिन भर एक कमरे में बंद रहें, मुझे कोई कॉल मैसेज मत करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, उसी तरह से आपके पार्टनर का भी यही हाल है। द हर्मेट का कार्ड भी आया है हमारे पास। आपके पार्टनर जिस तरह से कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी से बात करने के मूड में नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी की बकबक से उनका ना दिल दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया हो, कि उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो रुक गई हो, ख़त्म हो गई हो, क्योंकि सब ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। आप कुछ चाहते हैं, थर्ड पार्टी कुछ और चाहती है, तो आपके पार्टनर अकेले ही तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने वाले। थोड़ा सा सब्र कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स उनकी तरफ भेजिए, टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं उनको आप अपने पार्टनर। द एम्प्रेस गाइस, आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, हो सकता है अगर आपके बच्चे भी हैं तो भी आपके पार्टनर इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, वो आपको और आपकी बेबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर के साथ आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर ना आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं कोई भी हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनकी वाइफ या बने, और वाइफ या हस्बैंड जो भी है, ठीक है, एनर्जीज पे जाएगा। द सन गाइस, नई शुरुआत, यहाँ पर है द स्टार द सन गाइस, नई शुरुआत तो है ही, ठीक है। रात के बाद उजाला ज़रूर आता है, रात के बाद दिन ज़रूर होता है, ठीक है। आप ये चीज़ सोचते, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए ना, नेगेटिव क्यों होते हैं इतना ज़्यादा। द एम्परर गाइस, आपके पार्टनर पावर में आएंगे, अभी उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, वो सॉरी तो नहीं करेंगे। देखो अभी आपके पार्टनर, अगर आप उनको कॉल मैसेज करते हो ना, तो आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो सकता है, कॉल मैसेज बिल्कुल मत करना अपने पार्टनर को। द हेरोफेंट बॉटम में है, डेथ गाइस, देख लीजिए थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग है आपके पार्टनर की। और मैं कार्ड अब इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया हुआ है। हेरोफेंट गाइस, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता नहीं टूटेगा अगर आप मैरिड हैं तो, और आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपको शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर जब डेथ का कार्ड है ना गाइस, मैं इसको भी क्लियर कर दूँगा ना, आप लोग टेंशन लेके बैठ जाओगे। थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग है, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप अलग रह रहे हैं दोनों, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, आप दोनों साथ आएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी ले लें, शादी की तैयारियाँ करो। अगर आप वाइफ हो ना तो सामान पैक कर लो, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी लेने आएंगे। और आप हस्बैंड देख रहे हैं,
आपकी वाइफ कहने वाली है कि अब याद नहीं आ रही लेने का, बाहुल है। सिंगल हो तो अपने मम्मा पापा को बोल दो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होने वाली है। देखिए मैरिज या शादी ही शादी है भैया, इनवाइट कर लेना मेरे को। आपकी शादी नहीं टूटेगी, और जो सिंगल है उनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है उनके पार्टनर के साथ। तो मैं हमेशा दुआ करूँगी कि आप लोग के पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, आपके हस्बैंड और वाइफ आप दोनों एक साथ हो जाएं। आप आपके घर में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमार है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो सब ठीक होकर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाए। सोलमेट का आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और ये कार्ड ना शाइन कर रहा है, बताएं क्यों। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना गाइस, उनसे सबक लेना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए ये कार्ड आ गया है हमारे पास, आई वॉन्ट यू। आपके पार्टनर ना आपको ही चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बैलेंस। देखिए अपने आप से कार्ड आया है, आपकी सिचुएशन में गाइस बैलेंस आएगा और है क्लियरिटी मिलेगी आपको अपने इस रिश्ते के अंदर, और कुछ नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव जब हो सकता है, जब आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें, जब आप खुद इतने नेगेटिव हो जाएं कि आप ये सोचना छोड़ दें कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं, ऐसा इतनी नेगेटिविटी अपने चारों तरफ नहीं करें। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और मिस्टेक हो गई अभी, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है गाइस, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बाय।